ठीक है, अभी नॉइस कैंसलेशन इसका कैसा काम करेगा देख लीजिए। ट्रांसपेरेंट नॉर्मल नॉइस कैंसलिंग ट्रांसपेरेंट। दोस्तों हमने बहुत सारे हेडफोन यूज़ किए हैं, जैसे ये फ़िलिप्स का हो गया, ये रियलमी बर्ड हो गया, ये दोस्तों लेवल यू हो गया जिसको दोस्तों अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन ये सब को मिलाकर जितना पैसा होता है दोस्तों उसके बराबर ये है दोस्तों नेक बैंड है, जिसका नाम आपको पता ही है दोस्तों, आप पढ़ लीजिए खुद ब खुद। तो ये दोस्तों 4000 रुपये में मिला, क्या इसको वैल्यू फॉर मनी बोल सकते हैं आज के डेट में, क्या इसे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों हमारा जो रिव्यू रहता है दोस्तों कंपनी नहीं भेजता है, हम खुद बाय करके दोस्तों बिल वगैरह भी दिखा देंगे आपको। तो कंपनी से दोस्तों कोई भेजता नहीं है, बाय करके रिव्यू देते हैं, तो रिव्यू दोस्तों बहुत ही होनेस्टी होता है। तो वीडियो को आगे देखते रहिए, आपको इसकी सारी डिटेल देंगे, अच्छाई बुराई भी बताएंगे और ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं और इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं, गेमिंग वगैरह सब कुछ दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेकबॉक्स। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करो। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। यहाँ पर दोस्तों रियलमी बर्ड वायरलेस प्रो नॉइस कैंसिलेशन, नॉइस ऑफ, म्यूजिक ऑन और इस तरह की येलो शेप पे है। यहाँ पर साली हेड रेटिंग फीचर, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, 35 dB सोनी LDAC हाई रिस और यहाँ पर 22 आवर का प्लेबैक टाइमिंग, मैग्नेटिक टच ट्रांसपेरेंसी मोड दिया गया, 13.6 mm का ड्राइवर दिया गया, 5 मिनट में ये दोस्तों 100 मिनट का बैटरी बैकअप देगा और यहाँ पर लो लेटेंसी मोड दिया गया है दोस्तों। तो सब कुछ यहाँ पर है, 17119 यहाँ पर लो लेटेंसी मोड है, तो उसको भी टेस्ट कराएंगे। और ये जो दोस्तों बॉक्स देख रहे हैं ये कोई रिव्यू यूनिट नहीं है, हमने दोस्तों 4000 रुपये लगाकर इसे बाय किया है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं आपको, क्योंकि आप लोगों के लिए दोस्तों ये खर्चा वगैरह होता है ताकि आप लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन जा पाए कि ये जो है टीयर नेक बैंड आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दोस्तों आप चाह रहे हैं कि हमारे पास रिव्यू यूनिट वगैरह आए तो आप क्या कर सकते हैं, बस कुछ नहीं, एक छोटी सी हेल्प है, आप क्या करिए वीडियो को बस शेयर कर दीजिए एक बार और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप अगर वीडियो आपको ये वाला अच्छा लग गया हो तो इस तरह का और भी वीडियो आएगा फ्यूचर में, जब तक हम जिंदा है और आप जिंदा है दोनों, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह का है दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से मिलेगा और काफ़ी ज़बरदस्त पैकेजिंग पे ये दोस्तों ये आया है जो आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त और दोस्तों खुशनुमा माहौल लग रहा है एकदम। और यहाँ पर दोस्तों इसको हटाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो हम मोड़ देते हैं, हम इंडिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बॉक्स के अंदर देखेंगे क्या क्या है। और ये है दोस्तों आपको पता है जो अभी अभी हमने रिसेंट ख़रीदा है, तो चलिए देखते हैं। तो ये वाला दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग अगर नहीं देखे तो चैनल में दोस्तों लास्ट सीन में, मतलब लास्ट स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों निकालते हैं, तो ये ब्रेडेड केबल के साथ आता है और केबल इसका बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, इनहैंड फील बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पर हल्का सा दोस्तों टेक्स्चर मिल रहा है, मैं पकड़ रहा हूँ यहाँ पर, तो हल्का सा मुझे टेक्स्चर मिल रहा है दोस्तों दोनों साइड, यहाँ पर नेक बैंड में भी टेक्स्चर मिल रहा है और यहाँ नीचे भी मिल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसमें और भी बहुत सारा चीज़ है, तो कहाँ से खुलेगा भैया, हम भी टेंशन में हैं, तो शायद नीचे से खुलेगा। तो चलिए हम नीचे से देखते हैं, नीचे में शायद कुछ होगा, क्योंकि बहुत ही अजीबोगरीब टाइप और ज़बरदस्त बॉक्स लग रहा है। बॉक्स का मतलब एकदम बोला जाए तो नेक्स्ट लेवल का बॉक्स है। तो यहाँ से एक लगा रहे, वाह ज़बरदस्त खुला दोस्तों। तो अंदर में इसका कुछ नहीं है, तो इसको हम रखते हैं साइड में। अब यहाँ पर छोटे वाले बॉक्स है, तो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन होगा और यहाँ पर एक दोस्तों इसको चार्ज करने के लिए केबल दिया जाएगा, तो वही है शायद। तो इसको निकालने में, हाँ यहाँ कुछ ईयर टिप्स वगैरह दी गई है एक्स्ट्रा दोस्तों, जो इसके साथ आता है। और यहाँ पर केबल दिया गया है जो दोस्तों USB टाइप सी है, लेकिन छोटा सा है, पिद्दू सा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह का। चलिए इसको निकाल कर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो यही है दोस्तों। चलिए इस सब को दोस्तों रखते साइड, अभी बात करते हैं इसकी। तो इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, रियलमी की ब्रांडिंग दी गई है और बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है दोस्तों माहौल। और ये वाला जो है दोस्तों इसका जो केबल है बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब चिपचिपा टाइप का नहीं लगेगा। यहाँ पर दोस्तों 4 बटन है टोटल, मतलब एक में 3 है और एक दोस्तों सिंगल अलग है। जो दोस्तों एकदम छोटा सा आपको दिख रहा है ना, वो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को ऑन ऑफ करने के लिए है, और उसको दोस्तों प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो गेमिंग मोड ऑन हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर LED इंडिकेटर दी गई है दोस्तों, USB टाइप सी है और इसको मोड़ सकते हैं, इतना देख लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का छोटा सा हो जाएगा दोस्तों। और इसका जो है दोस्तों ये काफ़ी मतलब बड़ा सा लग रहा है मुझे, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा है। अगर आपका कान का छेद छोटा है तो इसको मत लीजिए, इसको
फंसाने में यहाँ दिक्कत होगा। और यहाँ पर दोस्तों स्पीकर दिया हुआ है एयर बाहर के लिए, और यहाँ पर दोस्तों नॉइस कैंसिलेशन का माइक वगैरह लगा हुआ है। और ये दोस्तों एकदम गोलन गोल नहीं है, मतलब चौड़ा सा लग रहा है, लेकिन दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त फील हो रहा है। और थोड़ा सा दोस्तों ये वेटेड है, लेकिन मैग्नेट बहुत ही ज़बरदस्त है इसका। तो ये दोस्तों मैग्नेटिक कंट्रोल के साथ आता है, बस इसको खोलना है, ये ऑन हो जाएगा दोस्तों। इसमें कोई भी बटन वगैरह नहीं है, बाकी उधर आप देख लिए वॉल्यूम बटन वगैरह था। तो चलिए आगे बात करते हैं इसमें और क्या क्या है। तो दोस्तों आपने इसका अनबॉक्सिंग देख लिया है, लेकिन अभी देखते हैं दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी के लिए दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं, तो इसको दोस्तों आप देख सकते हैं जो ज़बरदस्त डिज़ाइन के साथ आता है। थोड़ा सा फोकस में यहाँ पर इशू है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका डिज़ाइन वगैरह किस तरह का है। यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए कि इसका डिज़ाइन दोस्तों यहाँ पर हल्का सा आपको दिखेगा। यहाँ पर स्पीकर वगैरह यहाँ पर दिखेगा, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपको दिखता होगा, और इस तरह का कुछ। और यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों ये गोल नहीं है, ये गोल नहीं है, ये थोड़ा सा फैला हुआ है। यहाँ पर दोस्तों नॉइस कैंसिलेशन के लिए एक माइक दिया हुआ है इनबिल्ट दोस्तों इसके अंदर में। और वायर वगैरह टेक्स्चर वगैरह देखेंगे काफ़ी ज़बरदस्त ग्रिप पे आता है। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको रियलमी की ब्रांडिंग वगैरह दिखेगी, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन में। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर रियल मी की ब्रांडिंग दी गई है, और इधर पर ही दोस्तों तीन बटन दिया गया है, जो दोस्तों वॉल्यूम के लिए है, और एक दोस्तों कनेक्टिविटी पेयर के लिए, और एक ये दोस्तों कॉल उठाने के लिए। और ये जो है दोस्तों इसको मल्टी फंक्शन बोलते हैं। इसको दोस्तों एक बार टैप करेंगे तो नॉइस कैंसिलेशन के लिए एक्टिव हो जाएगा, एक ट्रांसपेरेंसी के लिए होगा, और एक नॉर्मल के लिए होगा। तो तीन बार इसको टैप करना है, मतलब एक ही बार टैप करना, इस तरह से करेंगे नॉइस कैंसिलेशन, इस तरह से ये फंक्शन देता है। यहीं पर दोस्तों इसका माइक दिया हुआ है, और बहुत ही ज़बरदस्त रगेड फील पे दोस्तों ये आता है। तो चलिए आपको थोड़ा सा वॉइस टेस्ट करा देते हैं किस तरह का है। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपना मोबाइल ले आते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, और ये दोस्तों कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको कनेक्टिविटी बता दे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये वाला दोस्तों इसमें कोई भी आपको बटन नहीं दिखेगा इसको ऑन ऑफ करने के लिए। इसमें दोस्तों खास चीज़ क्या है, इसको जैसे हटा देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और जैसे लगाएंगे ये ऑफ हो जाएगा, पूरा का पूरा ऑफ हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे हम हटाएंगे तो यहाँ पर अगर मेरा ब्लूटूथ चालू है तो ये दोस्तों कनेक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कनेक्ट हो गया। जैसे ही हम हटाए ये कनेक्ट हो गया। तो दोस्तों करना क्या है, बस इसको हटाना है। उसके बाद दोस्तों इसका लिंक ऐप आता है, लिंक ऐप दोस्तों यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर लिया। अब लिंक ऐप का दोस्तों आपको थोड़ा सा बता देते हैं लिंक ऐप में क्या है। तो दोस्तों इसका लिंक ऐप दोस्तों इस तरह का कुछ है। यहाँ पर दोस्तों ट्रांसपेरेंसी मोड दिया गया है, अगर आपको ट्रांसपेरेंसी में करना है तो यहाँ करिए, नॉर्मल में करना है तो यहाँ करिए। थोड़ा सा सामने ले आते हैं ताकि आपको सही से दिखे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका लिंक ऐप को देख सकते हैं आप, यहाँ पर 50% बैटरी का परसेंटेज दिखा रहा है। और ये वाला यहाँ पर दोस्तों नॉइस कैंसिलेशन, अगर इस पर हम टैप कर देंगे तो नॉइस कैंसिलेशन में बदल जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल। और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मोड, मतलब हंसते कोई बात कर रहा है दोस्तों तो आप सुन सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा दे के, इस तरह का कुछ है। यहाँ पर स्विच मोड है, आपको कैसा कैसा करना है आपको स्विच करना है कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे हम आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको दिखेगा बेस वाला, देखिए बेस प्रो डायनेमिक ब्राइट, मतलब यहाँ पर अगर कोई आप स्पीच वगैरह सुन रहे तो इस पर कर लीजिए। डायनेमिक मतलब अगर पॉप वगैरह सुन रहे हो और यह बेस चाहिए आपको तो प्रो बेस पर आप कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़बरदस्त रहता है। वॉल्यूम इन्हेंसर वगैरह दिया गया है अपने हिसाब से दोस्तों, अगर आपको करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं एडजस्ट वगैरह, या फिर इसको ऑफ कर दीजिए। मोड है ये दोस्तों यहाँ पर अलग अलग तरह का, गेमिंग मोड के लिए ये वाला दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जो गेमिंग मोड दिया गया है दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसके बॉक्स में जो ये वाला दिया गया है 35 dB, मतलब दोस्तों लो लेटेंसी मोड दोस्तों ये करता है, एक्टिव नॉइस और कैंसिलेशन और लो लेटेंसी मोड दोस्तों ये काम करता है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो यही वाला है दोस्तों गेमिंग मोड, इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो ये गेमिंग मोड में चल जाएगा, बाकी अदर है दोस्तों। और यहाँ पर बटन सेटिंग है, बटन को दोस्तों किस हिसाब से टाइप करना चाहते हैं और उसको सेट करना चाहते हैं तो सारा कुछ दोस्तों आपको इस लिंक ऐप में मिल जाएगा, जो दोस्तों कुछ इस तरह का है। बस यहाँ पर आना है और आपको दिख जाएगा 50% यहाँ पर बैटरी वगैरह दिख रही है, तो इस तरह का कुछ है। तो चलिए माइक को हम रखते हैं नीचे और दोस्तों टेस्ट करके देखते हैं कि ये किस तरह का है। तो दोस्तों थोड़ा दूर रखते हैं और यहाँ से दोस्तों हम एक सॉन्ग शुरू कर देते हैं, उसके बाद माइक लेके जाते हैं। तो ये शुरू हो गया दोस्तों और यहाँ पर 100% वॉल्यूम में है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह का साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो साउंड दोस्तों कुछ इस तरह का है, यहाँ पर देख लीजिए जो काफ़ी ज़बरदस्त मतलब काम कर रहा है दोस्तों। तो इस तरह का कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो दोस्तों आपके आंखों के सामने है। तो यही है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों साउंड वगैरह आप सुन लिए कि किस तरह का है, लेकिन दोस्तों अभी बात करते हैं नॉइस कैंसिलेशन, हम थोड़ा सा आपको
सुना के दिखाते हैं कि किस तरह से है। तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, हमको पहले इसको ब्लूटूथ मोड से हटाना होगा। दूसरा चीज़ है, यही वाला सॉन्ग को हमको प्ले करना होगा। जैसे दोस्तों अभी आपको माइक में आ रहा है हमारा आवाज़, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर बंद कर देते हैं और इसका हम यहाँ पर से रबड़ खोलते हैं और पहले इसका रबड़ को हम इस तरह से लेते हैं। नॉइस कैंसिलेशन के लिए क्या करना है, थोड़ा सा दोस्तों इसको पैक कर देना है इस तरह से। तो ये दोस्तों पैक हो चुका है, तो अभी मेरा आवाज़ आपको आता होगा क्लियर, अभी आ रहा है दोस्तों आवाज़ मेरा, ठीक है। और यहाँ पर लिंक ऐप में है, लिंक ऐप में दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाते हैं एक चीज़, नॉइस कैंसिलेशन के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है दोस्तों। तो ये अभी दोस्तों नॉर्मल में है, कोई भी दोस्तों नहीं है। तो देखिए मेरा आवाज़ अगर आपको आता होगा तो अभी हम ट्रांसपेरेंसी मोड में दोस्तों, सॉरी यहाँ पर से तो अभी चल गया है, रुकिए ब्लूटूथ हम ऑन करके यहीं से पहले करते हैं। हाँ तो ये कनेक्ट हो चुका है, तो अभी दोस्तों ये ट्रांसपेरेंसी मोड में है, मतलब मेरा आवाज़ आपको आता होगा क्लियर दोस्तों। अभी हम इसको नॉइस कैंसिलेशन में डालते हैं और मैं बोल रहा हूँ आपको कितना आवाज़ आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये है दोस्तों नॉर्मल मोड, ठीक है, तो ये नॉर्मल मोड है दोस्तों। अब क्या करते हैं, हम नॉइस कैंसिलेशन में जाते हैं, नॉइस कैंसिलेशन में ये हो गया है, अब इसको दोस्तों ब्लूटूथ से हटा देते हैं। तो आपको बाहर का आवाज़ आता होगा कितना पता नहीं। तो दोस्तों ये है, ये दोस्तों सॉन्ग हम चला रहे हैं, तो ये नॉइस कैंसिलेशन में दोस्तों अभी आपको आवाज़ आता होगा नॉइस कैंसिलेशन में, ठीक है। नॉइस कैंसिलेशन में अभी आवाज़ कितना आ रहा है ज़रूर बताइए। यहाँ पर सॉन्ग चल रहा है जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अभी नॉइस कैंसिलेशन इसका कैसा काम करेगा देख लीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों मैं आप लोगों को समझा पाया हूं कि किस तरह से दोस्तों इसका नॉइस कैंसिलेशन काम करता है, जो आप देख लिए होंगे दोस्तों आगे। तो दोस्तों इसी तरह का दोस्तों कुछ फंक्शन में यह काम करता है। तो दोस्तों चलिए अब हम करते हैं इसकी दोस्तों टेस्ट पबजी की, मतलब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के किस तरह का आता है। वैसे दोस्तों ये लेवल यू मैं यूज़ करता हूँ, जेब्रा यूज़ कर रहा था उसके बाद दोस्तों ये लिया। तो चलिए बताते हैं दोनों में दोस्तों कंपैरिजन भी आपको पता चल गया लेवल यू और इसका। और एक चीज़ बता देता हूँ कि इसका साउंड जो है इससे अच्छा नहीं है, इसका दोस्तों साउंड जो है आपको थोड़ा खुला हुआ लगेगा, लेकिन इसका ऐसा लगेगा थोड़ा, इसको सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि थोड़ा चीप क्वालिटी का लग रहा है, और इसका दोस्तों नेक्स्ट लेवल का मतलब अलग ही लगता है साउंड। तो खैर बात करते हैं दोस्तों BGMI की, कि BGMI कैसा चलता है। तो चलिए हम दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं BGMI टेस्ट, और हम माइक को रख देते हैं नीचे, उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाते हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पर दौड़ जाते हैं, ट्रेनिंग मोड में चल जाते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम माइक रख दे रहे हैं इसके सामने, ताकि आपको पता चले लेटेंसी वगैरह कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं और ये है गेमिंग मोड, इसको हम ऑन करते हैं। तो गेमिंग मोड ऑन हो चुका है दोस्तों, अब देखते हैं कि हमारा किस तरह से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को आवाज़ आता होगा तो देख लीजिए, लेटेंसी आपको पता चलता होगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है आप लोगों को देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, किस तरह से जा रहा है आप लोग देख लीजिए, इसमें आपने देख लिया। और इसका हम करते हैं ये रीलोड, और उसके बाद रीलोड हो गया, और अभी देखिए लेटेंसी इसका, ठीक है। और यहाँ से हम अभी क्या करते हैं इसका गेमिंग मोड को बंद करते हैं, उसके बाद लेटेंसी देखते हैं इसका लेटेंसी कैसा है। तो यहाँ पर गेमिंग मोड हम बंद कर दिए और अब देखते हैं इसका लेटेंसी, ठीक है।
तो मुझे तो ऐसा फ़र्क नहीं लग रहा गेमिंग मोड और नॉर्मल मोड में, क्योंकि लेटेंसी इसका काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा। तो दोस्तों यही था दोस्तों इसका गेमिंग, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का है। लेटेंसी मोड कैसा है और किस तरह से काम करता है और गेमिंग में ये किस तरह से काम करता है। तो बात करते हैं इसके प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, मान लीजिए ये आप अपना टीवी वगैरह में कनेक्ट किया और इस तरह से दोस्तों आप सुन रहे हैं लगा के, तो टीवी का वॉल्यूम अगर 70-80 में आप रखे हैं और इसको सुन रहे हैं, लेकिन दोस्तों जैसे ही मान लीजिए आपसे एक्सीडेंटली इस तरह से बंद होता है तो वहाँ पर टीवी का में पॉश होगा, उसके बाद आप चालू करेंगे तो वो 80% में मतलब वहाँ पर जो है 80 में आपका साउंड देगा तो काफ़ी ज़्यादा होगा। दूसरा चीज़ है दोस्तों, इसमें एक बटन देना चाहिए था जो मुझे लगा ऑन ऑफ के लिए ज़्यादा सफिशिएंट रहता, ये वाला चीज़ सही नहीं है। अगर ये वाला चीज़ आप ऐसे बस वगैरह में कर देंगे तो आपका यहाँ पर ब्लूटूथ चालू रहेगा और वो ब्लूटूथ को सर्च करते रहेगा, बार बार सर्च करते रहेगा, तो आपका बैटरी ड्रेन होगा मोबाइल का, तो ये दिक्कत है। लेकिन बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी कैसी है। तो साउंड क्वालिटी में दोस्तों बेस बहुत ही ज़बरदस्त है इसका, इसका मिस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, वोकल बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन बैटरी बैकअप दोस्तों यहाँ पर मुझे कम देखने को मिला, जो मुझे सही नहीं लगा। दोस्तों अगर आप 4000 रुपये लगा रहे हैं इसमें तो मैं बोलूँगा कि ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। वैल्यू फॉर मनी इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि इसका जो 1700 वाला जो वेरिएंट मिलता है उसमें भी इसी तरह का सेम साउंड आता है। दूसरा चीज़ है उसमें भी नॉइस कैंसिलेशन दिया गया, हाँ इसके बराबर नॉइस कैंसिलेशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है। बाकी दोस्तों ओवरऑल अगर बोला जाए कि इसको वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं, 4000 में लेना चाहिए तो एकदम नहीं लेना चाहिए, अगर ऑफ़र में ये 3000 तक में मिलता है तो सही है, अगर 4000 तक में मिल रहा है दोस्तों तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, मेरे पास दोस्तों लेवल यू का यहाँ पर पहले दोस्तों मैं यूज़ कर रहा था लेवल यू का, आपको मैं बता रहा हूँ कि लेवल यू का दोस्तों बैटरी बैकअप जो है इससे अच्छा है। अभी भी देख लीजिए कितना ज़्यादा टूट फूट गया यूज़ करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप लेवल यू का मेरा है। दूसरा चीज़ दोस्तों आपको एक चीज़ दिखाते हैं, अगर आपका छोटा कान है तो मत लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप देख लीजिए साइज वगैरह, जो यहाँ पर आपको साइज दिखता होगा साइज आप देख लीजिए, मतलब लेवल यू का दोस्तों ये फुल वाला जो आता है जो कान के अंदर जाता है वो वाला है और ये वाला है, तो देख लीजिए मतलब साइज आप देख लीजिए कितना बड़ा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह का है। यहाँ पर थोड़ा सा फोकस का दोस्तों मुझे इशू हो रहा है यहाँ पर, तो दोस्तों इस तरह का साइज़ आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। बाकी ओवरऑल बोला जाए दोस्तों तो ये तो मुझे मिला फ़ोन के साथ, इसलिए दोस्तों मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आप 4000 रुपये इसमें लगाएंगे तो मैं बोलूँगा कि वेस्ट है। जो बात है कि मैं क्लियर बोल रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर इसका प्राइस 3000 तक होता या 2500-2800 रुपये तक होता तो मैं बोल सकता था वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन 4000 में दोस्तों ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, आपका पैसा वेस्ट होगा। तो दोस्तों यही मेरी ऑनेस्टी रिव्यू हुई जो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, क्योंकि साउंड उतना भी अच्छा नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि वन प्लस का साउंड इससे ज़्यादा ज़बरदस्त रहता है। यहाँ पर दोस्तों इसमें 13mm का ड्राइवर दिया गया है, ड्राइवर की वजह से ये चीज़ बड़ा हो गया, लेकिन ये चुभता वगैरह नहीं है, लेकिन इसको पहन के सो भी नहीं सकते। अगर आप पहन के सोएंगे तो ये तो पहला इतना चीज़ कान में से बाहर रहता है, तो वो चीज़ मैंने बता दिया। तो देखा आपने इसकी फुल रिव्यू, तो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारा स्टाइल कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नए मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों इंडिविजुअल तरीके से अगर आप हमारा हेल्प करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, सकल सूरत तो सही है, बाकी आप आगे देख लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।